वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और आज स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है प्रयाग की धरा शेर सा लड़ा में। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की जंगे आजादी में प्रयागराज यानी कि पहले के इलाहाबाद की ऐतिहासिक धरोहरों का महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय और अमूल्य योगदान रहा। यहाँ की गली गली और दरो दीवारें ब्रिटिश यातना के खिलाफ वीर सपूतों के हौसले की गवाह हैं। स्वाधीनता के लिए हुए 1857 के विद्रोह में ये पहला जिला न केवल उत्तर पश्चिम प्रांत में प्रवेश की कुंजी था बल्कि गंगा और यमुना के संगम पर स्थित ये जनपद कूटनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहा। चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस के नॉट बाबर और पुलिस अधिकारी विशेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिसजनों को मार गिराया था और अंततः खुद को गोली मारकर आजीवन आजाद रहने की कसम भी पूरी की। देखिए हमारी रिपोर्ट। आजादी का आंदोलन बना जन आंदोलन। आजादी की लड़ाई में तब का इलाहाबाद और आज का प्रयागराज मजबूती से लड़ा था। इस लड़ाई की अगुवाई भी इसी शहर ने की जिसके निशान आज भी उस दौर की यादें ताजा कर देते हैं। आजादी के इस संग्राम में इलाहाबाद को काफी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के यातनाओं को इलाहाबाद के वीर सपूतों ने अपने हौसले से सहा। बता दें कि शहर की कई ऐसी इमारतें हैं जो आज भी आजादी के मतवालों की शौर्य गाथा सुनाती हैं। इस शहर का नाम बदलने से इसका जज्बा नहीं बदला। इस शहर का इतिहास आज भी लोगों के अंदर जोश भर देता है। देश जब अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है तो इलाहाबाद की भूमिका को भी याद करने का दिन है। इस शहर में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय, शालिग्राम जायसवाल जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के सालों तक संघर्ष किया और इस जंग में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अब 78वें वर्ष में जा रहे हैं, तो पुलिस मित्र जैसे कि हर बार रक्तदान करके देश की सेवा और देश के लोगों की सेवा करती आ रही है, इस बार भी हम लोगों का 15 अगस्त को AMA कन्वेक्शन हॉल में पुलिस मित्र का कैंप लग रहा है और इस बार की हमारी थीम है कि हमारा रक्त देश के नाम, देश के शहीदों के नाम, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से भी बना नहीं सकते। हमारा मोन लोगों यही है कि आपके लिए, आपके द्वारा, क्योंकि आप दोगे तो वही हम आपको दे सकते हैं। तो रक्त के बिना बहुत सी जिंदगियां जो है खत्म हो जाती है रक्त के अभाव में, और लोगों के अंदर एक डर है कि रक्त देने से शायद हम कमजोर ना हो जाए या हमें कोई दिक्कत ना आ जाए, तो हम लोग रक्त दान के साथ साथ अवेयरनेस भी काम भी करते हैं कि लोगों को जागरूक करें कि रक्त का दान करने से आपके शरीर पे या आपके स्वास्थ्य पे कोई हानि नहीं होगी बल्कि आपको अनेक फायदे होते हैं। जैसे रक्त दान करके जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं जो रक्त बनाती हैं, जब आपके शरीर में रक्त की मात्रा पूर्ण होती है वो कोशिकाएं रक्त बनाना बंद कर देती हैं, तो जैसे ही वो जो रक्त है वो आपका बासी होने लगता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे आप कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं इस बार, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर 78वें स्वतंत्रता दिवस पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी लोगों में रक्त को लेकर जागरूकता नहीं है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस बार जो शहीद हो गए हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए जो लोग शहीद हो गए उनके नाम पे आए और भारी से भारी मात्रा में रक्तदान करके उन शहीदों को नमन करें। हर गली में जंग ए आजादी की कहानी। आपको बता दें कि क्रांतिकारियों के लिए प्रयागराज गढ़ हुआ करता था। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने लंबे समय तक यहां रहकर आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया। बाद में आजाद यहीं पर शहीद भी हुए।
शहर की कई ऐसी इमारतें हैं जो आज भी आजादी के मतवालों की शौर्य गाथा सुनाती हैं। आजादी की लड़ाई में प्रयागराज मजबूती से लड़ा था। इस लड़ाई की अगुवाई भी इसी शहर ने की, जिसके निशान आज भी उस दौर की यादें ताजा कर देते हैं। आजादी के संग्राम में प्रयागराज को मुश्किलों और चुनौतियों से गुजरना पड़ा। अंग्रेजों की यातनाओं को इलाहाबाद के वीर सपूतों ने अपने हौसले से सहा। यहाँ की माटी उन तमाम नीतियों की गवाह है जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इस प्रयागराज में बैठकर अपनी रणनीति में शामिल किया। इलाहाबाद की हर गली में जंग ए आजादी की कहानी छिपी है। यहाँ की हर घरों की दीवारों पर आजादी की लड़ाई की दास्तान है। ये जगह क्रांतिकारियों का भी ठिकाना रही है। क्रांति की अलख जलाने वाले नायक चंद्रशेखर आजाद इसी शहर के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। बात 1870 की है। कोबर और गोथा के राजकुमार अल्फ्रेड ने प्रयागराज का दौरा किया। इस घटना की याद में शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइंस के केंद्र में स्थित 133 एकड़ क्षेत्र में एक पार्क बनाया गया। 1931 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने इसी पार्क में अंग्रेजों के साथ भीषण गोलीबारी की थी। 24 वर्ष की आयु में आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को यही हुई थी। हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसी प्रगति की राह पर बढ़ता रहे और जन समाज का उत्थान करें। क्या करते हो जी? मैं तो अभी तो मेरा MSc कंप्लीट हुआ है, MSc मैथमेटिक्स, और इसके बाद हम PhD करने जा रहे हैं जी। तो आगे भविष्य क्या आपका, क्या आप बनना चाहते हैं जी? मैं तो प्रोफेसर बनना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारी समस्याएं एज ए स्टूडेंट देखी और चाहूँगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा समस्याएँ ना हो। तो स्वतंत्रता लेकर स्वतंत्रता दिवस जो आ रहा है 78वां जो स्वतंत्रता दिवस है, इसको लेकर के आप पूरा देश जो है समय पूरे तरीके से जो खुशी का माहौल डूबा हुआ है, तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे? मैं भी एकदम उत्साहित हूँ स्वतंत्रता दिवस को लेकर, और मैं तो हमेशा मेरी यही कामना है कि देश के लोग एक तरह से देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और हमारी सरकार भी जो है नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता है। आजाद पार्क का इतिहास। प्रयागराज आजाद पार्क का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण पार्क है। इस पार्क का इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख स्थान रहा है। प्रयागराज आजाद पार्क की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई। इसे 1947 में बनाया गया था। इस पार्क का नाम महानायक चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया था। आजाद पार्क में आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह किए थे। प्रयागराज आजाद पार्क आज भी स्थानीय और पर्यटकों के बीच एक प्रसिद्ध स्थल है, जहां लोग शांति और ध्यान का आनंद लेते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए समर्थन को याद करते हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सूरवीर थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमुखी योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उनके योग्य आदर्शवादी सोच के कारण उन्हें आजाद के नाम से भी जाना जाता है। आजाद ने अपने जीवन में गरीबी, निष्कर्म भाव और भारत की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आजाद की विद्रोही कार्रवाई में मुख्य रूप से काकोरी ट्रेन हिंसा और काकोरी कांड नामक घटना शामिल थी। 9 अगस्त 1925 को आजाद और उनके सहयोगियों ने काकोरी ट्रेन को लूटने का प्रयास किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के राजकोष से सामग्री लूटने की कोशिश की गई थी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस समय हम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्थल पर खड़े हुए हैं, जहां पे उन्होंने शहादत दी थी। हमारे साथ कुछ छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या करते हैं आप? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस चीज़ से? ये। अच्छा, तो अब हम लोग जो है 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त है और उसके अलावा क्या कहते हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस ये कि गर्व का विषय है हमारे देश और ये अब
जो भी शब्द है हमारे बलिदान के लोग हैं, हम लोग के गर्व का विषय है। क्या करते हैं पढ़ाई में? अब आप लोग किस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं? हम ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके आगे क्या किस क्या स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विस। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गर्व का विषय है आप लोगों के सबके लिए, आप लोग यूथ हैं, भविष्य है देश का, और आगे चल के आप ही लोगों के कंधों पे देश चलेगा। तो हमारे वीर शहीद लोगों ने जो क्रांतिकारी ने अपनी शहादत दी है और जो हम लोग स्वतंत्रता दिलाई है, इसको लेकर के आपके गर्व पे अनुभूति है आप लोगों को? हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहे हैं। मैं भी आगे जाकर ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, और मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो बी ए सेकेंड ईयर में, आगे जाके मैं उन्हीं की तरफ करना। तो ये हमारे साथ यूथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग, और इन लोग की बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं के पदचिन्हों पर चलना चाहता हूं, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूं, जिससे देश की सेवा को हम कर सकें। और जो जहां पे हम खड़े हुए हैं, ये शहादत स्थल है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिन्होंने यहाँ पे शहीद होकर के हम लोग को आज़ादी दिलाई, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने की बात हमारे भविष्य जो देश के हमारे युवा हैं वो कर रहे हैं। थॉर्नहिल मेने मेमोरियल इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान संस्था राज पब्लिक लाइब्रेरी थॉर्नहिल मेन मेमोरियल बिल्डिंग में स्थित है। इसे सीबी थॉर्नहिल और एफओ मेने की स्मृति में उनकी स्थायी मित्रता और विद्वता के मूल्यों के प्रति समर्पण के प्रमाण के रूप में बनाया गया था। पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला और फ्रेंच में पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, राजपत्र और अन्य पठन सामग्री की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय है: मजमा उल बहरीन, फिरदोशी का सहनामा और ज्योतिष शास्त्र व गणेश पुराण, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल इटालियन चूना पत्थर से बनी बड़ी छतरी जो रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसे 24 मार्च 1906 को जेम्स डिगेस लॉर्ड टच ने खोला था। छतरी में कभी रानी विक्टोरिया की एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। प्रयागराज शहर आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए, चाहे बच्चे रहे हों या बूढ़े, सब आजादी की जंग का हिस्सा बने। इस शहर की शान माने जाने वाले आनंद भवन आजादी की लड़ाई का सेंट्रल हुआ करता था। यहाँ से ही उत्तर भारत की स्वराज की जंग की सारी गतिविधि संचालित हुआ करती थी। जाने माने वकील मोतीलाल नेहरू गांधी की अहिंसात्मक विचारधारा के सिपाही थे। आनंद भवन में आजादी के आंदोलन के नायक इकट्ठा हुआ करते थे। अंग्रेजी सरकार की नजरों से बचकर महात्मा गांधी हर घर तिरंगा यात्रा राष्ट्र के नाम बहुत ही अच्छा संदेश है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति समर्पित है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और यह राष्ट्र प्रेम के प्रति एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हम सभी भारतवासी आज़ाद भारत में जी रहे हैं, और आप सबको पता है कि यह आज़ादी कितने अमर शहीदों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान देने के बाद प्राप्त हुई है। इसे इस आज़ादी को हमें अक्षुण बनाए रखना चाहिए, और इसी परंपरा के तहत हम लोग जो है प्रतिवर्ष तिरंगा यात्रा निकालते हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बलिदान देने के बाद स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में जो सपना था उसे आगे बढ़ाने के लिए और उसे अक्षुण बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिवस को मनाया जाना आवश्यक है और हमेशा मनाया जाना चाहिए। ये तिरंगा यात्रा हम लोग हर साल पटेल चौराहा अल्लापुर से निकाल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद प्रतिमा तक
इस मकसद से निकालते हैं कि जिन वीरों जिन शहीदों की कुर्बानी से देश को आज़ादी मिली, हमें आज़ादी मिली, कम से कम हम उन्हें एक दिन याद करें और आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो आज़ादी आज आपको मिली है ये हमारी या हमारे पहले की पीढ़ी द्वारा नहीं बल्कि हमारे इन वीर शहीदों की कुर्बानी इसे मिली, इसलिए हम इसको हर साल मनाते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे हर साल मनाते रहें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हमें ये कहना है कि हमें देश की आज़ादी 1947 में जिन आधारों पर मिली वास्तव में हमको वो आधार मिली नहीं और अभी भी हमें अखंड भारत का जो हम लोगों की संकल्पना है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता को हम पूर्ण नहीं मानते जी। तिरंगा यात्रा के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, तिरंगा यात्रा एक बहुत अच्छी सराहनीय पहल है क्योंकि अगस्त क्रांति का अवसर है और 8 से ही शुरू हुआ ये पर्व 15 तक मनाया जाएगा प्रदेश में और हर घर तिरंगा फहराया जाए, ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का सूचक है और मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों का प्रदेशवासियों का अपने नगरवासियों का आह्वान करता हूँ कि वो लोग ऐसे उत्सवों में शामिल हों सपरिवार और इसको भव्यता से मनाएं और हम अपने राष्ट्रहित के संकल्प के साथ चलें कि राष्ट्र की जो भी मांग होगी जो हमारी जिम्मेदारी है उस पर हम पूरी तरह खड़े उतरें, राष्ट्रवाद के लग जगाएं। जय हिंद जय भारत। सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली यहां बैठकें किया करते थे। गांधी जी जब भी प्रयागराज आते थे वो आनंद भवन में ही रुकते थे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब अंग्रेजी सरकार ने आनंद भवन को जब्त कर लिया गया था। सन 1942 से लेकर सन 1947 तक अंग्रेजी हुकूमत का इस पर कब्जा रहा। कांग्रेस का दफ्तर आनंद भवन में था, यहां से ही पूरे देश में कांग्रेस की गतिविधि संचालित होती थी। आनंद भवन की कहानी दिलचस्प है। इस भवन के कई मालिक रहे हैं। इलाहाबाद के पहले नियमित जज सैयद महमूद भी यहां रह चुके हैं। उनके पिता सर सैयद अहमद खान ने इस भवन को खरीदा था और इसका नाम महमूद मंजिल रखा था। हालांकि अंग्रेजों ने 1857 के गदर के बाद इस जगह को शेख फयाज अली को बतौर इनाम सौंपा था। उसी स्थान पर बाद में स्वराज भवन व आनंद भवन बनाया गया। वैसे नगर निगम में मोतीलाल नेहरू से पहले इस भवन पर किसका मालिकाना हक था इसके दस्तावेज नहीं है, लेकिन जस्टिस महमूद के बाद ये भवन मुरादाबाद निवासी जज राय बहादुर कुंवर परमानंद पाठक के भी पास भी रहा था। मोतीलाल नेहरू ने ये भवन इन्हीं से खरीदा था। ये स्थान मोतीलाल नेहरू के खरीदे जाने से पहले ही महत्वपूर्ण था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के पास भी ये भवन काफी दिन रहा। बताते हैं कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में उनकी सहायता करने वाले शेख फयाज अली को इनाम के तौर पर ये जमीन सौंपी थी। इस जमीन पर आनंद भवन एवं स्वराज भवन बना हुआ है। हालांकि अंग्रेजों से मिली इस जमीन पर बने भवन के कई मालिक रहे हैं। मोतीलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1899 को 20,000 रुपए में इसे रहने को खरीदा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह और आजादी के आंदोलन की शुरुआत भले देश में कहीं से हुई हो लेकिन इस आंदोलन को विस्तार प्रयागराज ने ही दिया। आजादी की लड़ाई को जनता का आंदोलन बनाने में इस शहर की बड़ी भूमिका रही है। देश में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह की शुरुआत इलाहाबाद शहर से हुई। मौलवी लियाकत अली ने इसकी अगुवाई की। उस समय इलाहाबाद शहर में अंग्रेजों की 6वीं रेजिमेंट तैनात थी। इस रेजिमेंट में काम करने वाले सिपाही रामचंद्र ने सबसे पहले विद्रोह किया और बाद में मौलवी लियाकत अली के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। 6 जून 1857 को लियाकत अली ने लोगों के साथ मिलकर शहर को अंग्रेजों से आजाद करा दिया था। लियाकत अली की अंग्रेजों के साथ जंग खुशरुबाग से लेकर किले तक चली और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को कचहरी छोड़कर भागना पड़ा। 6 जून से लेकर 16 जून तक शहर अंग्रेजों से पूरी तरह से आजाद रहा। अंग्रेजी सरकार ने इलाहाबाद को कब्जे से मुक्त कराने के लिए वाराणसी से कर्नल लीला को भेजा।
उसने शहर पहुंचते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। सिविल लाइन्स एरिया में बसे आठों गांवों को अंग्रेजी सेना ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालात ये थे कि यहां कई दिनों तक बैलगाड़ियां पर लाशें ढोई गई, भारी संख्या में लोगों को फांसी दी गई। हालात ये हो गए थे कि जो लोग फांसी देखने आए थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। इस नरसंहार के बाद ब्रिटेन में कर्नल नील के खिलाफ ब्रिटेन में मुकदमा भी चलाया गया था। 1857 में शहर में चल रहे जन विद्रोह में एक और क्रांतिकारी हनुमान पंडित का नाम शामिल है। हनुमान पंडित से अंग्रेज सरकार इतनी डरती थी कि उन्हें अंग्रेज सौतन कहते थे। हनुमान पंडित को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर अंग्रेज सरकार ने 500 रुपए का इनाम रखा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के